और देव भूमि रे सारे देवी देवताओं आगे मैं अपना माथा टेकूं। इस पवित्र देव भूमि रे तुसे सभी लोकानो मेरा प्रणाम। साथियों, मुझे कुछ दिन पहले ही मंडी आना था, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया था। बारिश इतनी तेज थी, लेकिन लोग मैदान में डटे हुए थे। तब मैंने हिमाचल की युवा शक्ति को, आपको वर्चुअली टेक्नोलॉजी के माध्यम से संबोधित किया था, लेकिन उसी समय मैंने मन में ठान लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि जब भी हिमाचल में चुनावी रैलियां शुरू होगी, सबसे पहले मैं मंडी जाऊंगा और आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। मंडी के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने इतना कष्ट उठाया, मैं पहुंच नहीं पाया, उसकी पीड़ा मेरे मन में हमेशा रहेगी। लेकिन आज मुझे उतना ही अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आज हिमाचल की मेरी पहली सभा मंडी से ही हो रही है, सुंदर नगर में हो रही है। और यहां इतनी बड़ी संख्या में आप लोग होंगे, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हम सबको आशीर्वाद देने आई हैं। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर जो प्यार, जो उमंग, जो आशीर्वाद देखते ही बनता था। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, ये देवभूमि से मेरा नाता इतना निकट रहा है कि यहां सुंदरनगर में भी मैं पहले भी बहुत बार आना होता था। मैंने निहरी की चढ़ाई भी चढ़ी है और सराज, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र भी पैदल नापे हैं। दोस्तों, यहां के रास्ते ये सुंदर नगर की इतनी सुंदर बीबीएमबी झील, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और जब मैं मंडी शहर की और फिर यहां से जब जाता था, तो अक्सर यहां रास्ते में चाय पीना, यहां की दुकानों से लोगों से गप्पे मार रहा, ये मेरा एक प्रकार से क्रम बन गया था। तब न मैंने सोचा था कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की, देश की सेवा का मौका मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा और सुंदरनगर के मेरे पुराने सभी साथी, उनको भी, वो पुरानी बातें याद करते होंगे तो आश्चर्य होता होगा, हम लोग घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हमारे ठाकुर गंगा सिंह जी,
हमारे दिलेराम जी, हमारे दामोदर दास जी, ऐसे अनेक संयोगों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे कुछ समय पहले ही यहां सुंदरनगर के होनहार सपूत बॉक्सर आशीष चौधरी से भी याद है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले जब वो स्पेन में ट्रेनिंग ले रहे थे तब मेरी उनसे बात हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह का हौसला भाई आशीष ने दिखाया वो सब लोग नहीं दिखा पाते। सुंदर नगर के लोगों की यही बात पूरे हिमाचल की पहचान है, ये पहाड़ी लोगों की पहचान है। साथियों, मैं आज सुबह जब दिल्ली से निकला, आप लोगों के पास आ रहा था, तभी मुझे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। इतना ही नहीं, अभी दो दिन पहले 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया, ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परमादरणीय श्याम शरण नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। कुछ महीने पहले ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं। सेवा भाव भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव, और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं, और फौजियों की ये धरती, वीर माताओं की ये धरती जब कुछ संकल्प ले लेती है तो उसे सिद्ध करके ही दिखाती है।
भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है, इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है। अरे होता है, चलता है, करो न करो पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे, उसकी तो आवाभगत होगी, हिमाचल की क्यों होगी। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी वजह से हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। बीच बीच में आपने यहां भाजपा की सरकारें बनाई तो कुछ काम आगे बढ़ा, और सद्भाग्य ये रहा कि पहले अटल जी थे, यहां धूमल जी थे, अब मुझे सेवा का मौका दिया, मैं हिमाचल को मैं भी अपना घर मानता हूं, और इधर आपने जयराम जी को दे दिया। लेकिन उन दिनों को याद रखिए जब दिल्ली में भाजपा का सरकार थी, हिमाचल में भाजपा सरकार थी, काम तेजी से चल रहे थे, लेकिन जैसा ही 5 इसके 5 उसके 5 इसके 5 उसके ये वाले चक्कर में पड़ गए, और जैसे ही कांग्रेस वाले वापस आए सारे काम ठप कर दिए, वो अपनी कटकी ढूंढने में लग गए। इस वजह से हिमाचल विकास की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिस पर पहुंचने का हिमाचल का हक था, हिमाचल के लोगों की आवश्यकता थी। साथियों, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। जरा आप सोचिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव से सोचिए, अगर घर में कोई बीमार होता है और फिर किसी एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लेता है, लेकिन हफ्ते भर दवाई लेता है, फिर कोई आ जाता है, अरे रे रे, ये अंग्रेजी दवाई क्यों लेते हो, आयुर्वेद ले लो, तो इसको भी लगता है यार अब हफ्ते भर तो अंग्रेजी दवाई खाई, चलो अब आयुर्वेद करते हैं, तो एक सप्ताह अंग्रेजी खाई छोड़ दी, फिर दूसरा सप्ताह आयुर्वेद पे चढ़ गए, और फिर दूसरे सप्ताह आयुर्वेद खाई, इतने में कोई आ गया, अरे भाई ये आयुर्वेद क्यों खाते हो, क्या फायदा है, ऐसा करो होम्योपैथी ले लो, तो तीसरे हफ्ते होम्योपैथी ले लिया। अब मुझे बताइए, एक हफ्ते एक दवाई, दूसरे हफ्ते दूसरी दवाई, तीसरे हफ्ते तीसरी दवाई, चौथे हफ्ते चौथी दवाई, क्या मरीज ठीक होगा क्या, मुझे बताइए, बीमारी जाएगी क्या, जाएगी क्या। भाई बीमारी है तो एक दवाई को पकड़ के लंबे समय तक जरा एक बार देख लें, तब फायदा होता है कि नहीं होता है। भाइयों बहनों, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयां बदलने से बीमारी जाती नहीं है। आप दवा का एक डोज ले, फिर दूसरा डोज, फिर तीसरा डोज,
कभी किसी को फायदा नहीं होता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हिमाचल ने अब तक ऐसी ही गलती होती रही है और उसका परिणाम ये आया है कि यहां जो मुसीबतें हैं इसके लिए किसी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं ली। आपकी जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतों से आपको जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, उसकी जो आकर के शिमला में बैठे उन्होंने जिम्मेवारियां नहीं ली। और उनको भी पता था कि अब 5 साल आए हैं, क्या करना है भाई, क्या जरूरत है, 5 साल कितना ही काम करो, ये लोग तो 5 साल के बाद दूसरे को लाने वाले हैं, तो वो सोचता है कुछ करना ही नहीं है। ये जो 5-5 वाला दिमाग में भरा दिया बदमाश लोगों ने, गलत सोचने वाले लोगों ने, उन्होंने आपका इतना नुकसान किया है कि आप किसी का जवाब ही नहीं मांगते हो। वो तो हाथ ऊपर कहते हैं, हम क्या करें भाई, आपने हमको मौका नहीं दिया, एक बार दिया हम कुछ काम करें, उतने में तो आपने दूसरे को ला लिया। आप अगर सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं, आप अगर सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, आप उसको दोबारा मौका दीजिए ताकि उसको लगे कि हिमाचल की जनता अच्छे काम को आशीर्वाद देती है तो उसका काम करने का उत्साह डबल हो जाता है। इस बार हिमाचल करेगा ना, इस बार दोबारा लाने का निर्णय करेगा ना, ये पुरानी बातों को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। और मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों, आपने मुझे दिल्ली में बिठाया है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। पिछले 5 साल से कर रहा हूं, आगे भी करना चाहता हूं। मुझे सेवा का मौका दोगे ना, पक्का दोगे, और मैं आपको वादा करता हूं इस धरती के बेटे के नाते मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं कभी पीछे नहीं रहूंगा भाई। लेकिन अगर ऐसे लोगों को बिठा दिया जो काम को आगे ही न बढ़ने दे तो क्या होगा? मैं कितना ही दिल्ली से जोर लगाऊं, काम हो पाएगा क्या? रुकावटें आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए भाइयों बहनों, यहां भाजपा की सरकार बनाइए ताकि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अपने लंबे शासन में हिमाचल का जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए और फिर तेज गति से काम करने के लिए भाजपा को दोबारा जिताना, भाजपा को बार बार जिताना और दिल्ली की मोदी सरकार की भी भाजपा सरकार को पूरी मदद मिलती रहे, ये पक्का करने वाला ये चुनाव है। साथियों, कांग्रेस कैसे काम करती है इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक एक चीज याद रखिए, भूलना मत। 50 साल से ज्यादा हो गए जब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी। जब भी आओ गरीबी हटा के नारे लगाओ, गरीबी हटाओ नारे लगाओ, वादा करना, और लोग भी मानते थे हाँ यार गरीबी जाएगी। चुनाव होते गए गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस सरकार बनाती गई, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। झूठे वायदे करना, झूठी गारंटी देना, ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही, इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में
जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें आप निकाल करके देख लीजिए, 2012 में उनके जो वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था, एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया, आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं, खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र उन्होंने। जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं, भाइयों बहनों दिन रात खपा देते हैं। भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था ना, पूरा किया कि नहीं किया, पूरा किया कि नहीं किया। भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? साथियों भाजपा के संकल्पों की सिद्धि का एक और उदाहरण, ये तो हमारी वीरों की भूमि है, हर परिवार फौजी परिवार है, हर घर हिंदुस्तान के सुरक्षा का किला है। अब देखिए वन रैंक वन पेंशन, एक ऐसा उदाहरण है वो कांग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है। कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी, आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे वन रैंक वन पेंशन, बस आ जाएगा चुनाव जीता दो, आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितनी बार वादे करके गए, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी वे कभी भी वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया। और दिखावे के लिए बजट में मामूली 100 200 300 करोड़ रुपए डाल देते थे और लिख देते थे, लेकिन इससे होना नहीं था। ये आंख में धूल झोंकने की उनकी आदत, झूठे वादे करना, चुनाव जीतना फिर भूल जाना, यही उनका चरित्र। हिमाचल में हर बार वो झूठ बोलते रहे, देवभूमि में झूठ बोला है, देश की वीर माताओं के सामने झूठ बोला, देश के वीर जवानों के सामने झूठ बोला। भाइयों बहनों मैं हिमाचल में आया था 2014 में, चुनाव में आपके वोट मांगने के लिए आया था, और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था, मैं जानता हूं मामला बहुत बड़े धन का है, धन खर्च करना पड़ेगा, तिजोरी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन ये वादा मैं पूरा करूंगा। भाइयों बहनों वन रैंक वन पेंशन का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? वादा 40 साल तक उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया, हमने वादा किया 5 साल के भीतर पूरा कर दिया था। भाइयों जुबान की कीमत होती है, और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाइयों वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त
और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए भाइयों। 60,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप ध्यान दीजिए साथियों, क्या कांग्रेस सरकार होती तो ये 60,000 करोड़ रुपया मेरे फौजी परिवारों के घर में आते क्या? फौजी परिवारों के विधवाओं के घर में जाते क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी वन रैंक वन पेंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती। साथियों, उनके वादे कभी सही नहीं निकले। इस चुनाव में भी वादे करने में पीछे नहीं हटेंगे, उन पे भरोसा मत करना। कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को, जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे हिमाचल की बहन बेटियों को हुआ, उन बहनों ने जिसने अपना भाई दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीमा पर भेजा था। इसका नुकसान हिमाचल की हजारों महिलाओं ने उठाया, हजारों बच्चों ने उठाया। हथियारों में दलाली खाकर कांग्रेस ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं हिमाचल की किसी माता बहन बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है, अपने हथियार खुद बनाने पर जोर दे रहा है। साथियों, कांग्रेस देश की रक्षा की ही नहीं बल्कि देश के विकास की भी हमेशा से विरोधी रही है। गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसे खुद महसूस किया है। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं चाहता था कि हिमाचल में विकास की योजना तेजी से आगे बढ़े। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली में बैठा तो हिमाचल के साथ मेरा लगाव रहा था, हिमाचल ने मुझे बहुत प्यार दिया था, तो मुझे स्वाभाविक बैठते ही हिमाचल याद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन भाइयों बहनों, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी और मुझे आज भी याद है केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं को कैसे यहां की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, अड़ंगे डाले, रुकावटें डाली। उनके दिमाग में तो यही नशा था कि मोदी होता कौन है, ये दिल्ली सरकार होती कौन है,
हमारी मर्जी क्या करे क्या ना करे और मोदी की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये हिमाचल के लोग तो मोदी को अपना नेता मानेंगे, हमें तो मानेंगे नहीं। इसी चिंता में दिल्ली से मैं योजना भेजता था, पैसे भेजता था, वे इसको अड़ंगे लगा करके बैठ जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से और 2016 के बीच यहां कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपने मुझे बिठाया था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बना लिए, जो शहर में लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, जैसे सुंदरनगर हो, मंडी हो, शिमला हो, कांगड़ा हो, जिनके पास घर नहीं है भाई उनको घर होना चाहिए। और ये पहाड़ों में ठंड में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते हैं, उनको अच्छा पक्का छत वाला घर मिलना चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री शहरी घर बनाने की योजना के तहत हमने पैसे दिए। उनका काम था सिर्फ उन पैसों को खर्च करके लागू करना। 2014 से 17, ये मेरे पत्रकार मित्र भी आंखें फट जाएगी आपकी सुन करके, 2014 से 17 इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मेरा हिमाचल, ये मेरी वीर भूमि, वीर माताएं, कितने घर बने होंगे। 14 से 17 पैसे भारत सरकार दे रही थी, कितने घर बने होंगे आप अंदाज लगा सकते हो? मैं बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी कि ऐसी सरकार यहां चलती थी कांग्रेस की। पूरे हिमाचल में सिर्फ 15 घर बने, 15। और जरा जोरों से बोलो। आप ध्यान दीजिए साथियों, सिर्फ 15 घर। और जैसे ही आप लोगों ने हिमाचल को डबल इंजन की सरकार दी, दिल्ली में मुझे और यहां पर जयराम जी को, तो जो योजना लगाने के लिए मैं 14 से लग रहा था, जिसको लटका करके बैठे थे, अटका करके बैठे थे, अड़ंगे लगा करके बैठे थे, उनको आपने हटाया, जयराम जी को बिठाया। कहां 15 घर, और हमने 10,000 घरों पर काम शुरू कर दिया। कितने भाई, कितने घर, कितने माताएं बहनें, जरा बोलते कितने, उनके कितने थे, उनके कितने थे, हमने कितनों पर काम शुरू किया। और मुझे आज संतोष से कहना है, जयराम जी और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करना है, इसमें से 8,000 से ज्यादा घर पूरे हो चुके हैं और बाकी पर वो भी कुछ समय में पूरे हो जाएंगे। कहां 15 घर वाली कांग्रेस की सरकार और कहां 8,000 घरों को बनाने वाली डबल इंजन की सरकार। अब आप तय कीजिए कि आपको 15 घर बनाने वाली सरकार चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाली सरकार चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए, निर्णय आपको करना है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इसलिए करो ये नहीं कहने आया हूं, मैं हिसाब देकर के कह रहा हूं कि हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। यानी 2017 के बाद से भाजपा सरकार में हिमाचल के विकास ने अभूतपूर्व तेजी पकड़ी है। मैं आज भी ये सोचकर परेशान हो उठता हूं कि अगर 2017 में भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती, जयराम जी की सरकार ना आती, तो क्या होता दोस्तों, 15 के बजाय 25 घर बना लेते, 25 नहीं तो 50 बना लेते। साथियों,
बीते दो ढाई साल में दुनिया की इतनी बड़ी महामारी, हिमाचल लोगों ने भी इसका मुकाबला किया है। भाजपा की सरकार में हिमाचल ने देश में सबसे पहले शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। आप कल्पना करिए, अगर महामारी के समय भी यहां कांग्रेस होती तो क्या होता। कांग्रेस का तो इतिहास है कि उसने गंभीर से गंभीर बीमारी के टीकों के लिए भी देश के लोगों को बरसों बरसों तक इंतजार करवाया था। और हिमाचल में टीका लगवाने का मतलब सिर्फ एक नागरिक की जान से जुड़ा हुआ नहीं है। जब हिमाचल में सबको टीका लग गया तो बाहर से आने वाले टूरिस्टों को भरोसा हो गया कि हिमाचल सेफ है। फिर से टूरिज्म ने गति पकड़ना शुरू किया, यहां के लोगों की रोजी रोटी चल पड़ी। ये वैक्सीन की ताकत थी और ये जयराम जी और भाजपा सरकार की ताकत थी कि उन्होंने पूरे देश में हिमाचल को पहला। और मैं यहां के हमारी आशा वर्करों, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे गांव में काम करने वाले हेल्थ वर्कर, उनको आज नमन करता हूं कि उन्होंने पहाड़ों पर चल करके जाकर के बर्फीली जगह पर जाकर के भी वैक्सीनेशन का काम कर लिया और जिंदगी बचाने का काम कर लिया और मुफ्त में, एक पैसा नहीं लिया किसी से। भाइयों बहनों, कोरोना के समय में अगर हिमाचल में कांग्रेस होती तो हिमाचल में सबसे अंत में टीके पहुंचते, क्योंकि चार सीट वाले हैं, क्या लेना देना। दूर दराज वाले क्षेत्र तो आज भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे होते। भाइयों, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में ये डबल इंजन की सरकार आज भी हिमाचल के गरीबों को, लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त राशन मिल रहा है ना। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद हमेशा देती हैं कि दिल्ली में एक उनका बेटा बैठा है जिसने हमारे घर के चूल्हे को कभी बुझने नहीं दिया। दिल्ली में एक ऐसा बेटा बैठा है जिसने कभी हमारे घर के चूल्हे को बुझने नहीं दिया। कोई रात ऐसी नहीं थी जब बच्चों को भूखे सोना पड़े, क्योंकि दिल्ली में एक बेटा बैठा था जो जागता था कि मेरा बेटा खा करके सो जाए। और इसलिए भाई